वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme Y 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 अपडेट न्यूज के बारे में। और यहाँ पर देखो, हमें Realme की तरफ से अभी रिसेंट सितंबर 2024 के मंथ में ना कौन से डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिले हैं, सभी कुछ आगे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है ना, अगर आप लोग चैनल बनाए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये वीडियो पसंद आती है ना, तो यहाँ पर एक लाइक जरूर। तो भाई लोग, यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले अपडेट की बात करें ना Realme की तरफ से, Realme GT60 डिवाइस के लिए सितंबर 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पर OTA अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। ऑल ओवर इंडियन यूजर्स को अपडेट देखने को मिला है। वर्जन की बात कर लेते हैं, RMX का 3853118.24 है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर डिवाइस के सिक्योरिटी में इंटीग्रेट दी अगस्त 2024 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू इनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी। यहाँ पर देखो, अगस्त 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट को प्रोवाइड किया गया। तो ये मुझे भाई बहुत ज्यादा खराब लगता है। देखो, अभी सितंबर 2024 का मंथ भी खत्म होने वाला है, ऐसे में यहाँ पे अगस्त 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच मिल रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा खराब लगा, डाउनसाइड लगा। हाँ, लेटेस्ट का सिस्टम सिक्योरिटी पैच मिल जाता सितंबर का तो काफी ज्यादा बढ़िया होता, बट यहाँ पर Realme वाले क्या कर रहे हैं मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। देन इसके अलावा डिवाइस के सिस्टम में देखो, एड AI रिकॉर्डिंग समरी फीचर, इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइज द AI स्मार्ट लूप फीचर दैट प्रोवाइड्स यू विद द इंटेंट रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी एंड फिक्सेस अदर सम नॉन इश्यूज। तो भाई लोग, यहाँ पर देखो, डिवाइस में AI रिकॉर्डिंग समरी फीचर को फाइनली एड कर दिया गया है। देन इसके अलावा डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। तो यहाँ पर डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, एप्स ओपन क्लोज में काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इसके अलावा AI स्मार्ट लूप फीचर को भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। और आपके डिवाइस में इन दिनों जो भी बग्स वगैरह आ रहे थे ना, तो उन सारे बग्स को भी इस अपडेट के बाद फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर डिवाइस के कैमरा में ऑप्टिमाइज दी सिस्टम स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइज दी कैमरा फ्लुएंसी, ऑप्टिमाइज दी क्वालिटी ऑफ दी रियर कैमरा। तो भाई फाइनली यहाँ पे डिवाइस का रियर कैमरा को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग वीडियोस वगैरह या फोटोज वगैरह निकालते हो ना, तो यहाँ पर आप लोगों को अब से कोई भी लैगिंग का इशू देखने को नहीं मिलेगा, उसे यहाँ पे काफी हद तक ठीक किया गया है। डिवाइस की कैमरा स्टेबिलिटी को यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, फाइनल इंडिया के अंदर Realme 12 Pro 5G डिवाइस के लिए भी सितंबर 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पर OTA अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। वर्जन यहाँ पे RMX का 3842.14.0.0.1402EX01 है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे अगस्त 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट को प्रोवाइड किया गया। साथ ही डिवाइस के सिस्टम सिक्योरिटी को एनहांस किया गया। देन इसके अलावा डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम स्टेबिलिटी एंड फिक्सेस सम नॉन इश्यूज एंड इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। और आपके डिवाइस में दिनों जो भी बग्स वगैरह आ रहे थे ना, तो उन सारे बग्स को इस अपडेट के बाद फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया। एंड यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज किया गया, बढ़ाया गया है। तो ठीक ठाक अपडेट है, आप लोग इस अपडेट को भी अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी अगर आपके डिवाइस में अपडेट्स हो नहीं हो रहे ना, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, तो यहाँ पर एक लाइक कर सकते हो। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।